हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर आप भी साउथ इंडियन रेसिपी खाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आपको दो बड़ी प्याज लेकर उनको मोटा मोटा काट लेना है, और आपको फिर क्या करना है, हथेली की सहायता से इनको अच्छे से मसलना है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस हमें इसको 2 मिनट तक ऐसे ही मसलना है ताकि जो प्याज के रेसे हैं वो निकल के बाहर हो और जो कि प्याज है वो अच्छे से मुलायम हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से इसको मसलना है। ये देखिए, जो प्याज के रेसे हैं वो निकल चुके हैं, तो आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, लंबी साइज़ का 1 इंच अदरक काट कर इसमें डालेंगे, बारीक बारीक काट कर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाला है करी पत्ता, इसको भी हमें अच्छे से काट लेना है। और यहाँ पर हमने लिए है हरी मिर्च, तो इसको भी हम बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर लिया है हमने गाजर को, जो कि मैंने इसमें कद्दूकस कर लिया था। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें मैंने डाला है 1/2 स्पून जीरा, तो इसमें हमें साबुत जीरा डालना है। एंड इसके बाद डाला है हमने साबुत अजवाइन, तो ये देखिए मैंने इन सभी चीज़ों, इसके बाद मैंने लिया है नमक, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से कर लेना है इन्हें मिक्स। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाला है लौंग का पाउडर, एंड यहाँ पर डाला है मैंने कस्तूरी मेथी को, और यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी तरह आप मेरी वीडियो पर बने रहिए। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। आप अगर मेंदू वड़ा खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें करना है मिक्स मैदा। तो मैदा हमें बाइंडिंग के लिए लेना है। तो ये देखिए, तो हमें इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, हमें एक साथ इसको नहीं डालना है, हमें 1-1 चम्मच करके हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, और हाथों की सहायता से हम इसको अच्छे से मसलेंगे। जितना आप इसको हाथों से मसलेंगे उतना ही बहुत ही अच्छा होगा। हाथों से मसलने से इसको बहुत ही अच्छी टेक्सचर मिलेगा। तो ये देखिए, तो अब इसमें 1 चम्मच और मैदा डालेंगे। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे इसको डालना है, और इसमें हमें पानी 1 बूंद भी नहीं डालना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो डो है वो टाइट हो गया है तो आप उसके लिए डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो कि मैदा है वो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड हो चुका है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको हाथों से अच्छे से मसलना है। ये देखिए, इसको जितना हाथों से मसलेंगे उतना ही बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स होगा। तो इसको मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये बाइंडिंग के लिए पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, इससे कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है। तो इसके लिए आप ज़रूर इसको यूज़ करें मैदे का। अगर आप इसमें बेसन डालेंगे तो ये चिपक जाएगा, तो इसलिए हमें इसमें बेसन नहीं डालना है, तो हमें इसमें मैदे का ही यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये पूरा बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ हथेलियों पर लगाना है पानी, और इसको हम बना लेंगे लड्डू जैसा। तो ये देखिए, पानी लगाने के बाद हथेलियों पर हमें बनाना है इसे लड्डू जैसा। अब इसको हम रखेंगे दूसरी हथेली पर, इस तरह से इसको दबा देंगे, जिस तरह से मेंदू वड़ा का सेप होता है ना, उसी तरह से हम इसको करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको मेंदू वड़े का सेप दे दिया है। अब हम इसमें कर देंगे बीच में होल। तो ये देखिए, लग रहा है ना पूरा बड़े जैसा। तो ये देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, जैसे कि मेंदू वड़ा खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है, ये उससे ज़्यादा टेस्ट लगेगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, ये अच्छे से बन चुका है। अब यहाँ पर डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल, जो कि कढ़ाई में गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था पहले से। तो फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, हमें इसको हाई फ्लेम में नहीं गर्म करना है, हमें इसको मीडियम फ्लेम में ही गर्म करना है, वरना जो कि हमारे बड़े हैं वो ऊपर से सीख जाएंगे और अंदर से कच्चे हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें इसको डाल दिया है। तो जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम और बड़े बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, अब सारे बड़ों को हम इसी तरह से सेक लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए जो बड़े हैं वो हमारे सिकना रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको किसी भी तरीका से दे सकते हैं, टिक्की या बड़े या पकौड़े, आप इसको किसी भी तरह का शेप देकर इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये रेसिपी बना कर देंगे तो वो तो बहुत ही खुश होंगे अपने लंच बॉक्स को देखकर। तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप उसमें जो कि ग्रीन चिली है आप उसकी क्वांटिटी को कम रखें बच्चों के हिसाब से, तो उसको वो खाना बहुत ही पसंद करेंगे। बच्चे तो तीखा नहीं खाते हैं तो उनके लिए आप चिली की क्वांटिटी कम रखें। तो ये देखिए जो बड़े हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को सभी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी रिलेटिव के साथ शेयर करें। और आप बताएं मेरी ये रेसिपी आप कैसी लगी। ये देखिए बड़े बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आप इसको सांभर के साथ, चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, किसी के भी साथ इसको ले सकते हैं, इसका वैसा ही टेस्ट आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए और सभी को बनाकर खिलाइए। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने क्रंची और सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं अंदर से और बाहर से, इसलिए मैंने आपसे कहा था फ्लेम को हाई मत रखना, आप इसको मीडियम फ्लेम में ही सेकें तभी ये हमारे अच्छे से फ्राई हो पाएंगे अंदर से और बाहर से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिए इसको सॉस में डिप किया है और बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्जॉय।